हेलो एवरीवन, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो वर्ल्ड कप 2023 का बिगुल बजने वाला है और पहला मुकाबला होने वाला है इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच में। बता दें कि यह दो ही टीम है जो कि पिछले वर्ष फाइनल मुकाबला खेली थी, जिसमें एक करारी शिकस्त मिली थी न्यूजीलैंड को, जो शायद कभी भी इतिहास में न्यूजीलैंड नहीं भूल पाएगी। जो हार था बेहद ही चुभने वाला हार था। ऐसे में जब पहली बार फिर से भिड़ेगी वर्ल्ड कप 2023 में, तो न्यूजीलैंड चाहेगी अपना बदला लेने का। तो ऐसे में क्या होगा दोनों टीमों का बेस्ट प्लेइंग 11 इस पहले मुकाबले के लिए वर्ल्ड कप 2023, किसका रहेगा पलड़ा भारी, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो बिना देरी किए हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबरें लाते रहते। तो बात करें वर्ल्ड कप 2023 का पहला मुकाबला जो कि अहमदाबाद में होने वाला है। बता दें कि यह बेहद ही बड़ा ग्राउंड है, जहां पर खचाखच भरा रहेगा स्टेडियम, जहां पर एक तरफ रहेगा वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड, तो दूसरी तरफ रहेगा उप विजेता टीम न्यूजीलैंड। बता दें कि यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार जो कि 2 बजे से शुरू हो रहा है, इसे आप भारत में डिजी प्लस हॉट स्टार पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि आप स्टार स्पोर्ट 1, स्टार स्पोर्ट 3 पर भी देख सकते हैं। तो वहीं बात करें यह मुकाबला जो कि ज़बरदस्त होने वाली है, कि ये दोनों टीमें ज़बरदस्त है और एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुकाबला खेली है, और दोनों जब भिड़ती है तो कांटे के टक्कर भी होता है। तो बात करें दोनों टीमों का बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड का प्लेइंग 11। तो वहाँ पर नज़र आएंगे आपको सबसे पहले जॉस बटलर जो कैप्टन रहेंगे, जॉनी बेस्टो, जो रूट, हैरी ब्रोक, डेविड मलान, लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, शेम कुरन, आदिल रशीद, मार्कुट, क्रिस वोक्स। जहाँ दोस्तों यह होगा बेस्ट प्लेइंग 11 इंग्लैंड का। जो खबर निकल के आ रही है इंग्लैंड से कि बेन स्टोक पहला मुकाबला नहीं खेलेंगे इंजरी की वजह से, जो कि इंग्लैंड के लिए बेहद ही बड़ा झटका है। बता दें कि बेन स्टोक बेहद ही बड़े खिलाड़ी है और उनका टीम में रहना ही सबसे बड़ा जीत होती है इंग्लैंड के लिए। नहीं रहेंगे लेकिन यह मुकाबला नहीं खेलेंगे, लेकिन हम आगे उम्मीद करते हैं कि बेन स्टोक जरूर खेले। वहीं बात करें हम न्यूजीलैंड का बेस्ट प्लेइंग 11 क्या रहेगा इंग्लैंड के खिलाफ, तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। डेविन कनोए, मार्क चैपमैन, केन विलियमसन, टॉम लेथम, डेरन मिचेल, ग्लेन मिल, जेमिन इशम, मिचेल सेंटनर, ईश शोडी, ट्रेंट बोल्ट, है मैट हेनरी। जी हाँ दोस्तों, यह हो सकता है न्यूजीलैंड का बेस्ट प्लेइंग 11। वैसे तो न्यूजीलैंड की टीम ने कही है कि पहला मुकाबला केन विलियमसन नहीं खेलेंगे, लेकिन जिस तरह से वह अभ्यास मुकाबले में देखे, बल्लेबाजी करते हो या फिर फील्डिंग करते हो, एकदम ज़बरदस्त फिट नज़र आ रहे थे। ऐसे में बेहद ही ज़्यादा चांसेस है कि केन विलियमसन बतौर कप्तान पहला ही मुकाबला खेलते हुए नज़र आए। तो आपको क्या लगता है केन विलियमसन खेलेगा या नहीं, हमें ज़रूर बताएं।